Good morning. So today we are going to continue with our previous lesson. The name is, what was its name? A food. So हम different different types of foods खाते हैं, milk products खाते हैं, है ना? So we oil है, spices है. So now we are just going to read and discuss different meals in our day. हम कितनी meals खाते हैं पूरे दिन में? हम 3 meals खाते हैं, breakfast, lunch and dinner. We have 3 main meals in a day. In the morning we have breakfast, nashta. In afternoon we have lunch और फिर उसके बाद हम दोपहर को lunch खाना खाते हैं and at night we have dinner. और रात को हम क्या खाते हैं? Dinner. So where does food come from? अब ये जो खाना है वो आता कहाँ से है? Food we eat mainly comes from plants and animals. तो हमारा जितना भी खाना है वो या तो पेड़ पौधे देते हैं हमें, plants देते हैं, और या फिर जानवर देते हैं. We get vegetables, fruits, nuts, pulses and rich rice from plants. अब plants हमें क्या देते हैं? सब्जियाँ, फल, nuts, जैसे आपके काजू हो गए, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ये सब नट्स, मूंगफली होगी, पल्सेस आपकी दालें हो गई, एंड राइस फ्रॉम प्लांट्स. वी गेट मिल्क, एग एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स. और एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एग्स मिलते हैं और मीट मिलता है. अ मील दैट इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, रोटी इज ए बैलेंस डाइट. अब बैलेंस डाइट क्या हो जाएगी? वो मील जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड, मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है, एक तो फल, सब्जियां या राइस या रोटी, वो पूरी हमारी एक बैलेंस डाइट बनती है. वी शुड अवॉइड हैविंग चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, दे आर जंक फूड्स. और जंक फूड्स हमें अवॉइड मतलब हमें वो नहीं खाने चाहिए, उससे हम बीमार पड़ेंगे. जंक फूड इज नॉट गुड फॉर आर हेल्थ. सो अब है हमारी गुड ईटिंग हैबिट्स, हमारी जो अच्छी आदतें हैं खाने में. वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, हमें हमेशा खाने से पहले हाथ धोने चाहिए. वी शुड ईट हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए. हेल्दी फूड में क्या है? पूरी बैलेंस डाइट, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, रोटी, कर्ड, सब्जी, है ना? लेकिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए? जंक फूड नहीं खाना चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट फूड, और हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए. आप उतना ही लो, पहले उसको फिनिश करो, फिर उसके बाद आप वापस ले लो. ये नहीं कि एक ही बार पूरी प्लेट में भर के रख लो और फिर खाओ नहीं और वो पूरा का पूरा खाना वेस्ट हो जाएगा. वी शुड ऑलवेज कवर फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, और हमें हमेशा खाने को और पानी को ढक कर रखना चाहिए. वी शुड स्टोर फूड इन क्लीन यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स हमारे बर्तन जिसमें खाना बनता है, जिसमें मम्मा खाना बनाती. तो ऑलवेज हमें जो यूटेंसिल्स है क्लीन, हमेशा धोकर ही यूज़ करने चाहिए और उसी में खाना स्टोर करना चाहिए. We should never eat uncovered food, और हमें बिना ढका हुआ खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए. So all these are our good eating habits. So let's recall. अब हमने पूरे लेसन में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा, वो अब हम वापस एक बार रिकॉल करते हैं. वी नीड फूड टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हमें सबसे पहले फूड किसके लिए चाहिए होता है? एक ताकतवर और हेल्दी, अच्छा, मतलब जिससे हमें कभी बीमारी ना हो, हम कभी बीमार ना पड़े. फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हमारे को खाना खाने से बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और हम वर्क करते हैं और खूब खेलते हैं. एवरी डे वी शुड ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, और हमें रोज़ एक ग्लास दूध पीना चाहिए. और कितना पानी पीना चाहिए? 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे वी शुड ड्रिंक, हमें रोज. इससे ज़्यादा पियेंगे तो और अच्छा, लेकिन अगर इतने पियेंगे तो इट्स गुड. सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डू ऑल द एक्सरसाइजेस. नंबर 8, टेक राइट द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ अस नीड फूड टू ग्रो स्ट्रांग या वीक, तो स्ट्रांग. अनियन मैंगो इज़ ए वेजिटेबल, कौन सी वेजिटेबल है? मैंगो है और ये अनियन है, तो अनियन इज राइट, टिक करेंगे. देन वी गेट मिल्क फ्रॉम, हमें मिल्क कौन देता है? एनिमल्स में.
काउ वी गेट मिल्क प्लांट्स देते हैं हमें या एनिमल्स? तो एनिमल्स देते हैं. वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स टोज बिफोर ईटिंग. हमें क्या हमारे हाथ धोने चाहिए और या पाँव धोने चाहिए? तो ऑलवेज आवर हैंड्स. वी शुड स्टोर फूड इन क्लीन यूटेंसिल्स, है ना, क्लीन पे टिक करेंगे ना. रीड दीज सेंटेंसेज. अब यूज टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. वी शुड नॉट वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग. हमें वी शुड नॉट वॉश आर हैंड्स बिफोर ईटिंग, इट इज़ ट्रू या फॉल्स? वी शुड नॉट, हमें हमेशा, हमें कभी भी अपने हाथ नहीं धोने चाहिए, इट इज ट्रू. वी शुड नॉट वॉश आर हैंड्स बिफोर ईटिंग, तो इट इज ट्रू या फॉल्स, बताओ मुझे? तो इट इज फॉल्स. हमें हमेशा, मैम बारी पर, वी शुड नॉट वॉश, तो हमें हमेशा धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए? तो हमें धोने चाहिए. तो वी शुड ऑलवेज वेस्ट फूड. हमें वी शुड ऑलवेज वेस्ट, हमें खाना वेस्ट करना चाहिए? नो, नेवर. वी ईट ब्रेकफास्ट एट नाइट. अगेन, वी ईट ब्रेकफास्ट, हमें रात रात नाइट में हम खाना खाते हैं? तो नो. वी शुड हैव मिल्क वंस अ वीक. अगेन आई एम रिपीट, वी शुड हैव मिल्क वंस इन अ वीक. हमें रोज दूध पीना चाहिए. वीक का मतलब क्या होता है? वीक, पूरे 7 दिन, है ना. तो वीक में हमें पीना चाहिए? नो. वी शुड वॉश द यूटेंसिल्स वेयर वी स्टोर फूड. हमें वहीं पर अपने बर्तन धोने चाहिए जहाँ पे हम अपना खाना रख रहे हैं, जहाँ हम रखते हैं, मतलब वेयर वी स्टोर, स्टोर का मतलब जहाँ हम अपना खाना रखते हैं. तो इट्स फॉल्स. तो सारे के सारे फॉल्स हो गए. अगेन, वी शुड नॉट वॉश आर हैंड्स बिफोर ईटिंग. वी शुड ऑलवेज वेस्ट फूड. वी ईट ब्रेकफास्ट एट नाइट. वी शुड हैव मिल्क वंस इन अ डे, वंस इन अ वीक, सॉरी. वी शुड वॉश द यूटेंसिल्स वेयर वी स्टोर फूड. हम वहाँ पर नहीं धोते हैं जहाँ पर हमारा खाना पड़ा होता है. हम हमेशा अलग जगह पर जाकर अपने यूटेंसिल्स, जो अपने बर्तन हैं, वो धोते हैं. फाइन. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू ऑल द क्वेश्चन आंसर, डू ऑल दीज एक्सरसाइजेज इन बुक इटसेल्फ. सो थैंक यू, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन नेक्स्ट वीडियो.